कानपुर से बड़ी खबर, एक बार फिर दो महिला चोरों ने थाना बाबूपुरवा अंतर्गत 40 दुकान में कपड़ा खरीदने गई महिला का बैग काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। महिला का बैग काटकर चोरी करने वाली दो महिलाओं का पकड़े जाने पर महिला चोर का हाई वोल्टेज ड्रामा। पीड़ित महिला ने सतर्कता दिखाते हुए महिला चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। पीड़िता ने बाबूपुरवा पुलिस को फोन कर दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला चोरों को भिजवाया थाने। भैया मीनाक्षी गुप्ता, अभी आप कहाँ पर हैं, क्या मामला है, अभी घटना का? भैया हम टीटू वाले के यहाँ से जस्ट अभी बेडशीट लेकर के आके भैया के यहाँ कपड़े देख रहे थे अपने बच्चे के, और देखते देखते यहाँ बगल में हमारी एक लेडीज आई, हमारे नीचे शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे, उन्होंने शॉपिंग बैग अपनी तरफ सरकाया तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। मम्मी ने बोला कि बेटा हाथ में ले लो, हाथ में बैग लिया तो देखा उनका जस्ट दूसरा वाला हाथ साइड से उन्होंने ब्लेड से काट करके बैग, और उन्होंने एक हाथ अपना अंदर डाला हुआ था बैग के। तो बस जैसे ही तुरंत ही देखा भैया, तुरंत भैया लोगों को बुलाए, फिर आप सब लोग आई गए थे, पुलिस आके उनको ले गए। क्या लोन थी? दो लेडीजें थी, उनके संग में एक बच्चा था, तो एक लेडीज बाहर खड़ी हुई थी। किस तरह से आप लोगों ने उसको पकड़ा, कैसे आपने बात किया? अरे जैसे उसने हाथ डाला, हाथ थोड़ा लगा, आहट सी लगी भाई बैग में उन्होंने की एकदम से, भाई बिल्कुल अपना हाथ नहीं हुआ, लगा मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, तो देखा उनका तुरंत ही हाथ था मेरा पूरा ही, उन्होंने कैरी बैग ये कट कर रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए आए, कृपया करके तो ऐसे शॉपिंग बैग्स लाए जो ब्लेड पे भी असरदार ना करे अगली बार से, और थोड़ा सा भाई ध्यान रखें बच्चों को साथ में शॉपिंग पर बिल्कुल भी मत लाएं। कानपुर से संवाददाता रियाज मंदनी की खास रिपोर्ट।